आपके अपने न्यूज़ चैनल में स्वागत है। चंद्रयान 3, दुनिया हुई हैरान। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश कभी नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो करते हुए पिछले हफ्ते रूस तक फैल हो गया। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। अहमदाबाद में मौजूद इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट तैयार है, लॉन्च के लिए रेडी है। नीलेश ने बताया कि यह 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी करेगा। यह हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा जहां पर L1 पॉइंट होता है। यह पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। इस मिशन को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर में रखा गया है, यहाँ पर इसे रॉकेट में लगाया जाएगा। लोग आदित्य L1 को सूर्यान भी बुला रहे हैं। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है। इस मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण पेलोड विजिबल लाइन एनिमेशन कोरोनाग्राफ बेल्क है। इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से 6 पेलोड्स इसरो और अन्य संस्थानों ने बनाया है। चंद्रमा के बाद अब बहुत जल्दी अपना इंडिया सूर्य पर पहुंचेगा, यानी कि सूर्ययान सूर्य पर बहुत जल्दी पहुंचेगा। हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हुआ सूर्य पर नज़र आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने RJ तक 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।